A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa. नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। बड़ी मुश्किल से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने वाला आम आदमी एक बार फिर निशाने में आया है और इस बार उसे टारगेट किया है जिले के बस संचालकों ने, जो मनमानी किराया वसूल कर आम आदमी के खून पसीने की कमाई से अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकांशतः निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग यात्रा करते हैं, जिनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा आवागमन में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों में किराए के रूप में चला जाता है। ऐसे में बस ऑपरेटर की मनमानी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। विभागीय नियमों के मुताबिक एक साधारण बस का किराया दिन में ₹1.26 प्रति किलोमीटर तय किया गया है। वहीं रात में सफर करने के लिए साधारण बस के किराए में 10% डीलक्स बस में सामान्य बस से, 25% स्लीपर बस में सामान्य बस से 40% किराया तय किया गया है। लेकिन स्थानीय बस संचालक सभी नियमों को दरकिनार करते हुए सामान्य बस से भी निर्धारित किराए से कई गुना अधिक किराए की वसूली कर आम आदमी की जेब में सेंध लगा रहे हैं। मनमानी किराया वसूली को लेकर संगठन का एक अलग ही स्टैंड नजर आता है, जिसमें संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी ने अवैध किराया वसूली का ठीकरा परिवहन विभाग और बिचौलियों के सिर पर फोड़ा है। बस एसोसिएशन के संगठन मंत्री ने बिना नाम लिए सीधे तौर पर इसका जिम्मेवार परिवहन विभाग के अधिकारी को बताया, जो हर 5 मिनट के अंतराल पर परमिट जारी कर बिचौलियों को अवैध वसूली करने का मौका दे रहे हैं। जानकारों की माने तो किराए के नाम पर की जा रही अवैध वसूली सीधे तौर पर बस संचालक की जेब में जाती है, जिससे वह अपने संगठन के खर्चे सहित कई कार्यों में इस्तेमाल करता है। कहाँ तक का सफर करना है? रीवा से कटनी जा रहे हैं। कितना किराया लिया गया है? 250 रुपए। क्या कर रहे हैं, कितना किराया लिया गया है? रीवा से कटनी, कितना किराया? 250 रुपए। आपको जानकारी में है कितना किराया लगता है वास्तव में? क्या इतना ही लगता है? नियम के अनुसार है? नियम तो वैसे है, इसके अनुसार ही है। क्या नाम है आपका? सर, रीवा में बस संचालकों द्वारा निर्धारित जो किराया दर है उससे कहीं बहुत ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है यात्रियों से, किसे जिम्मेवार मानते हैं? ऐसा संभव नहीं है। मोटर मालिक तो किराए की लिस्ट लगाता है गाड़ी में और कंडक्टर को बोलता है, उसमें गड़बड़ी जो एजेंट हैं बीच बैकी, जिन पर प्रशासन कंट्रोल करता नहीं है, मनमानी तरीके से अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, मनमाना किराया लेते हैं, उन पर कोई इंक्वायरी करता नहीं, उनका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है। अब वैसे भी जो ऑल इंडिया की गाड़ी हैं, इनको बस स्टैंड से 200 मीटर दूर इनका ऑफिस होना चाहिए, लेकिन बस स्टैंड में उनको घुसेड़ के रख दिया। तो जो स्टेज कैरिज परमिट वाली गाड़ियाँ हैं उनको एक तो दिक्कत हो रही है, अब वो उन्हीं को कढ़े कढ़े करते हैं, बगैर रजिस्ट्रेशन के बुकिंग करने वाले बैठे हुए हैं। तो ये तो RTO का काम है कि देखें उनका रजिस्ट्रेशन है मतलब कि नहीं। सीधे तौर पे ये माना जाए कि इसके लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार है? परिवहन विभाग जिम्मेदार है, और जो ये बुकिंग करने वाले बैठे हुए हैं इनका रजिस्ट्रेशन तो देखें कि ये टिकट काट कैसे रहा है, इसको टिकट काटने का अधिकार है क्या? अब जो बगैर लाइसेंस के काट रहा है तो मनमानी कर रहा है, वो मनमानी किराया लेता है लोगों से। आपने बात की कि सभी बसों में जो किराया सूची है वो चस्पा है, लेकिन ऐसा किसी भी बस में पाया नहीं गया। वो होता क्या है कि एक बार रखा लगाया, कभी किसी ने निकाल लिया, तो रोज तो लगाया नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास करता है ऑपरेटर कि किराया सूची लगे रहे। अमूमन होता ये है कि जो सामान्य रूप स्टेज कैरिज पे चलती गाड़ियाँ हैं उनमें पैसेंजर ज़्यादा तो बड़ी बात है पूरा किराया देता ही नहीं है, जहाँ 60 रुपये लगता है 50 रुपये दे देंगे, अधिकतम कंसेशन की सवारियाँ रहती हैं, और वो गरज रहती है चूँकि टाइमिंग का कोई ठिकाना नहीं है, टाइमिंग फ्री है, चाहे जब चाहे तब RTO दे देते हैं परमिट, तो गैप जब कम हो जाए सवारी रहती नहीं है, तो मजबूरन कम किराए में ही ले जाता हूँ, कि नहीं तो पीछे वाला तैयार खड़ा हुआ है। मतलब सीधे तौर पे ये कहा जाए कि जो बस ऑपरेटर है वो इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? जी नहीं। बस एसोसिएशन के द्वारा आपने कहा कि RTO, आप लोगों के द्वारा कोई ऐसी पहल की गई है? जी हाँ, हम लोगों ने मीटिंग बुला के सबको कहा कि अपने गाड़ियों में किराया रखिए, अलर्ट रखिए, किराया कोई ज़्यादा न ले। अब यहाँ तक स्थिति ये होती है कि जैसे कोई बस 50 सीट पास है, 50 सीट गाड़ी पास हो गई, 50 सीट का हमसे टैक्स लिया जाता है पूरे महीने का, लेकिन इमरजेंसी गेट के सामने की 3 सीट निकाल दी गई,
तो गाड़ी बची कितना 47 सीट, 47 सीट में भी विकलांगों के लिए आरक्षित है, उनको भी देना है सीट, अगर वो आए तो उनसे आधा किराया लेना है, लेकिन हमको टैक्स पूरा ही देना पड़ेगा। तो टैक्स तो हमसे सरकार पूरा लेती है, लेकिन हमारे गाड़ी में उतनी सीट रहती नहीं है। मतलब सीधे सीधे ये माना जाए कि परिवहन विभाग के जितने नियम हैं बस संचालक उनकी पूरी वो कर रहे हैं, उनके नियमों के अनुकूल सारी बसों का संचालन किया जा रहा है। भाई संचालन तो नियम से बंधे हुए हैं, ऑपरेटर परमिट में लिखा हुआ है कि विकलांगों के लिए आधा किराया लेना है, उनको बैठने की व्यवस्था करना है, उनके चढ़ने के लिए स्टेप देना है कि इसमें वो चढ़ जाए, कमज़ोर है तो उसको सीट की व्यवस्था करे, ये तो ऑपरेटर करता ही है, लेकिन उसको टैक्स में कहीं रिलैक्सेशन नहीं है। अब जैसे आजकल गाड़ियों में VLTD व्हीकल लोकेशन डिवाइस सिस्टम लग रहा है, उसका पैसा हम लगाते हैं, एक साल हुआ दोबारा जब फिर फिटनेस में गई गाड़ी तो कहते उसको रिन्यू कराइए। रिन्यू किस बात का, VLTD लगा दिया आपने और आपके पास स्टेशन ही नहीं बना हुआ है जिसमें लोकेशन ट्रेस हो सके। गाड़ी में तो लगा हुआ सिस्टम, लेकिन जब स्टेशन नहीं है तो काम ही नहीं कर रहा, और रिन्यूअल की डेट आएगी फिर से 4,000 जमा करो तब रिन्यूअल हो। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground Floor, John Tower, College Chauraha, Rewa.